नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज खटीमा में कुमाऊं मंडल की विजय संकल्प यात्रा का किया समापन। कहा, प्रदेश में 2024 तक बिछेगा सड़कों का जाल। टिहरी जिले के चंबा पहुंची विजय संकल्प यात्रा में उमड़े लोग। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने देहरादून में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पशुपालकों और किसानों को दिया उत्तराखंड शक्ति सम्मान। कहा, किसानों की तर्ज पर पशुपालकों को मिलेगी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत कृषि उत्पाद संगठनों को इक्विटी अनुदान देकर किया जा रहा प्रोत्साहित। हरिद्वार स्थित जीवामृत एफपीओ से जुड़े 500 छोटे बड़े किसानों की जैविक खेती के जरिए बढ़ रही आमदनी। और प्रदेश में चारधाम सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हुई बर्फबारी। पश्चिमी विक्षोभ के कारण राज्य के अधिकांश हिस्सों में रुक रुक कर हो रही बारिश। शीतलहर चलने से बढ़ी ठिठुरन, जनजीवन प्रभावित। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि साल 2024 तक उत्तराखंड में सड़क निर्माण के क्षेत्र में 2,00,000 करोड़ रुपए के काम पूरे किए जाएंगे और राज्य में सड़कों का जाल फैलाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री आज भाजपा की विजय संकल्प यात्रा में शामिल होने उधम सिंह नगर जिले के खटीमा पहुंचे। इस अवसर पर आयोजित जनसभा में उन्होंने कहा कि आने वाले समय में देहरादून से दिल्ली 2 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में और दिल्ली से मुंबई तक 12 घंटे में सड़क मार्ग द्वारा लोग अपनी यात्रा तय करेंगे। भविष्य में 2 से 4 मंजिला फ्लाईओवर भी देखने को मिलेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अपने पूरे कार्यकाल के दौरान 2,00,000 करोड़ रुपए के सड़क मार्ग का काम उत्तराखंड को देने का वादा किया था, जिसके तहत तमाम परियोजनाएं चल रही हैं। कि जब जब उत्तराखंड में आता था पार्टी के अध्यक्ष के रूप में, तब भी लोग यही कहते थे कि हमारे रोड सुधर जाए, रोड अगर सुधर जाएंगे तो उत्तराखंड का विकास होगा, यही जनता कहती थी। और मैं भी अक्सर लोगों को एक बात बताता था कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी, इन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए जिसके कारण अमेरिका धनवान हुई। और इसीलिए मोदी जी के नेतृत्व में जब मुझे इस रोड मिनिस्ट्री का कारभार मिला, तब मैंने तय किया था कि उत्तराखंड को मैं 2,00,000 करोड़ रुपए दूंगा और उत्तराखंड की तस्वीर को बदल दूंगा। हमने 2100 किलोमीटर की नई सड़क बनाई है और उसका मजबूतीकरण का काम किया है। 2022 में 128 किलोमीटर सड़क उन्नयन का काम अवार्ड हो जाएगा और करीब 1353 किलोमीटर सड़क मजबूतीकरण उन्नयन का डीपीआर बन रहा है। और मैं विश्वास से आपको बताना चाहता हूं कि 2024 तक हम करीब और 2500 किलोमीटर का काम पूरा करके उत्तराखंड में 2,00,000 करोड़ रुपए के रोड के काम हम पूरे करके देंगे, ये मैं विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूं। जनसभा में उत्तराखंड की भाजपा सह प्रभारी लॉकेट चटर्जी ने कहा कि भाजपा की विजय संकल्प यात्रा को प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद देते हुए सफल बनाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने उत्तराखंड में अभूतपूर्व विकास कार्य किए हैं। हम लोग का उम्मीद है इस बार 60 पार होगा, क्योंकि इस टाइम में जो 5 सालों में जो उत्तराखंड का जो डेवलपमेंट हुआ, केंद्र जो सरकार नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में जो पूरा देश में जो डेवलपमेंट का नारा उठाया था, उसमें उत्तराखंड भी शामिल था। उत्तराखंड के लिए बहुत कुछ किया और राज्य सरकार ने जो 5 साल में जो मिश्का सिंह धामी जी पूर्व मुख्यमंत्री जो लोग थे उनका नेतृत्व में जो काम हुआ बहुत अच्छा काम हुआ। और अच्छा काम होने से अभी जो चुनाव अभी आ रहे हैं उसमें भी उत्तराखंड का जनता और भी विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद।
इसके साथ ही कुमाऊं मंडल में विजय संकल्प यात्रा का आज समापन हो गया है। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया कि गढ़वाल मंडल में आगामी 6 जनवरी को केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह विजय संकल्प यात्रा संपन्न करेंगे। विजय संकल्प यात्रा हमने पूरे प्रदेश की 70 विधानसभाओं में इसको हमने शुरू किया था 18 तारीख को हरिद्वार से, गढ़वाल की 41 विधानसभाओं के, कुमाऊं में बागेश्वर से 19 तारीख को। ये यात्रा जो हमारी कुमाऊं की है आज हम खटीमा में उसका समापन कर रहे हैं। 6 तारीख को उत्तरकाशी में गढ़वाल की यात्रा का समापन होगा जिसमें राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं। तो इस प्रकार से पूरी 70 विधानसभाओं में विजय का संकल्प लेकर जनता का आशीर्वाद लेने हमारी ये यात्रा निकली थी और जनता का अपार सहयोग आशीर्वाद, कार्यकर्ताओं का अपार उत्साह इस पूरे कार्यक्रम में देखने को मिला। उधर आज विजय संकल्प यात्रा ने धनौल्टी और टिहरी विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश किया। यात्रा सुबह खुली होते हुए चंबा पहुंची। यात्रा में पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य शौर्य डोभाल, टिहरी सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी शामिल हुए। यहां आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 साल के कार्यकाल में देश को शिखर पर पहुंचाया है। उन्होंने भरोसा जताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी दोबारा प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी। यात्रा जो पूरे उत्तराखंड में निकल रही है इसके पीछे केवल एक ही उद्देश्य है, आम जनता के बीच में कल्याण और विकास के लिए माननीय नरेंद्र मोदी ने 7 साल में जो काम किया है, भारतीय जनता पार्टी की 4.5 साल से अधिक की सरकार ने उत्तराखंड को जो विकास से जोड़ा है, कल्याण से जोड़ा है, इन सब की जानकारी लोगों तक मिले। और इस यात्रा का एक उद्देश्य और है, जो कुछ हमने किया है वो जनता के चरणों में समर्पित है। जनता का आशीर्वाद लेने के लिए, जनता का समर्थन लेने के लिए ये बीजेपी की संकल्प यात्रा निकल रही है। मैं 2 दिन से इस यात्रा के साथ हूँ। लोगों की चेहरे की चमक, चेहरे की मुस्कुराहट और गैदरिंग ये बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी अब की बार फिर से प्रचंड बहुमत से उत्तराखंड में सरकार बनाएगी। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा है कि केंद्र सरकार ने किसानों की तर्ज पर पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा देने का निर्णय लिया है। केंद्रीय मंत्री ने आज प्रदेश में कृषि, मत्स्य पालन और गौ पालन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को उत्तराखंड शक्ति सम्मान योजना से पुरस्कृत किया। इस अवसर पर उन्होंने एक दिनी शिविर और मेले का शुभारंभ किया। देश में बढ़ावा देने हेतु हमारे प्रधानमंत्री जी ने पशुपालकों को केसीसी की सुविधा किसानों के तर्ज पे देने का निर्णय किया है। भारत सरकार ने पशुपालकों को आरोग्य की सुविधा, मेडिसिन घर पे ही मिल जाए, इसके लिए पूरे देश में मोबाइल वान देने की योजना की है। उत्तराखंड की सरकार और यहाँ के पशुपालन मंत्री जी ने आज ही आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की सेवा मोबाइल वान के माध्यम से उत्तराखंड के पशुपालकों को सुलभ हो, इसके लिए एक वान को भी आज फ्लैग ऑफ किया है। यहाँ कुछ एनजीओ के द्वारा पशुपालन के क्षेत्र में अच्छा काम करने वालों का बहुमान करने का उपक्रम बना है, तो उसको प्रोत्साहन देने हेतु हम इधर आए। इस अवसर पर आयोजित मेले में विभिन्न स्टॉल्स भी लगाए गए और अपनी अपनी एक स्टॉल लगाई है जिसमें अपने आर्टवर्क को मैंने यहाँ पे प्रदर्शित किया है। जो हस्तकला है, हाथ की पेंटिंग्स है बनी हुई, उन सबका यहाँ पे हमने स्टॉल करा है जिसमें कि लोग आकर के देख रहे हैं और बहुत अच्छा एक ये अवसर है जिसमें आकर देख सकते हैं। बहुत सारे लोग आइडियाज लेते हैं कि हम ऐसे बना सकते हैं, सीखने के लिए बोलते हैं। सुंदर कलाकृतियों को देखकर सबका मन करता है कि हम भी अपने लिए कुछ ना कुछ लेके जाएं और सजाएं, साथ साथ सीखें। महिलाएं हैं जो कि बहुत सारी अपने घर में बैठी रहती हैं खाली, तो वो लोग कई चीजें बनाती हैं, चाहे उनका सामान हो, चाहे बची हुई घर में बेकार पड़ी हुई चीजें, उनसे भी सजाने का सुंदर सामान बना सकते हैं। जो है एक हेयर ऑयल है जो आयुर्वेदिक है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसके, ये 100% काम करता है। दूसरा है हमारा राहत, तजमिल राहत के नाम से है, जो पेन ऑयल है, एडवांस ट्रीटमेंट फॉर ज्वाइंट पेन,
जोड़ों का दर्द जितनों को भी है उनको पेन किलर नहीं खाना पड़ेगा इससे मसाज करें तो। देन दूसरा हमारा ये वूलन में है, हमने वूलन लगाया हुआ है। जहां एक ओर किसानों को आर्थिक सहायता पहुंचाने और उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत वित्तीय मदद सीधे उनके खातों में पहुंच रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कृषि उत्पाद संगठनों यानी एफपीओ को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें इक्विटी अनुदान भी दिया जा रहा है। इसका सफल उदाहरण है हरिद्वार स्थित जीवामृत एफपीओ, जिसमें 500 छोटे बड़े किसान जुड़े हैं और जैविक खेती के जरिए अपनी आमदनी में लगातार इजाफा कर रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह ये रिपोर्ट। कंपनी में 27 महिला किसान सम्मान निधि का फायदा देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों तक पहुंच रहा है, तो वहीं केंद्र सरकार एफपीओ को भी काफी प्रमोट कर रही है। हमारे साथ हैं विजय पाल जी, जो कि 2005 में एयरफोर्स से रिटायर हुए और रिटायरमेंट के बाद इन्होंने जैविक खेती की शुरुआत की। जैविक खेती के जरिए ये जो आपने एफपीओ बनाया है, कैसे शुरुआत की इसकी और क्या आमदनी होती है पहले के मुकाबले? मैं 2005 से भारतीय वायुसेना से रिटायरमेंट लेके आया था। 2008 में अपने खेती पे ऑर्गेनिक शुरू किया और हम 10 किसान जो थोड़े संपन्न थे उनसे मैंने 10 किसानों को जोड़ा अपने साथ में जो रिस्क ले सकते थे, वहां से हमने शुरुआत करी और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये सिलसिला चलता रहा। 2016 में मेरे साथ 500 किसान जुड़ चुके थे और हमने फिर ये अपनी प्रोसेसिंग यूनिट लगाई। प्रोसेसिंग यूनिट लगा के फिर हमने यहाँ पर अपने उत्पाद को बेचना शुरू किया और सभी किसान इससे जुड़े हुए हैं, सबको लाभ हो रहा है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड और केवीके की मदद से गठित जीवामृत जैविक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में 27 महिला किसान भी हैं। ये एफपीओ मुख्य तौर पर गन्ना प्रसंस्करण का काम करता है, जिसके तहत गुड़, खांड, सिरका का उत्पादन किया जाता है। इस एफपीओ के किसानों की आमदनी की बात करें तो आप अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि इस कंपनी ने 2020-21 में 8,73,00,000 का कारोबार किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस एफपीओ के कार्यकलाप की सराहना कर चुके हैं। अपने किसान हैं उनको एक तो ये फायदा हुआ कि उनकी जो पहले गन्ने में सिंचाई होती थी कम से कम 20% वो कम सिंचाई होती है अब जैविक करने से। पहले आपका 10 से 15 किसान वो 12 कम से कम 12 सिंचाई करते थे, अब 8 तक सिंचाई करते हैं। दूसरा मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ी है, किसान आज की डेट में अच्छा अन्न उगा रहा है क्योंकि मिट्टी उपजाऊ हुई है, केमिकल फर्टिलाइजर सब बंद हुए हैं। इसका एक किसानों को दूसरा लाभ ये भी हुआ कि उनकी जो आमदनी है आमदनी 30 से 40% बढ़ी है, क्योंकि ओवरऑल आमदनी 30 से 40% इसलिए बढ़ी है, एक तो समय पे वो अपनी कटाई कर देते हैं गन्ने की और दूसरी जो अपना अगली फसल है उसकी समय पे बुआई भी कर देते हैं। आज इस एफपीओ से जुड़े किसान जैविक खेती कर बुआई से लेकर कटाई तक का काम कर रहे हैं, साथ ही उत्पाद तैयार कर बाजार की मांगों के अनुरूप उसकी आपूर्ति भी सुनिश्चित कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जो छोटे बड़े किसानों को मिलाकर जिस तरीके से एफपीओ को बढ़ावा दिया जा रहा है, आने वाले समय में किसानों की आमदनी दुगनी करने में ऐसे एफपीओ काफी मददगार साबित होंगे। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज, हरिद्वार। और अब बात मौसम की। प्रदेश में आज मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है। चारधाम सहित राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कहीं कहीं बर्फबारी हुई, वहीं अधिकांश क्षेत्रों में सुबह से ही बादल छाए रहे। राजधानी देहरादून समेत कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी भी हुई। उत्तरकाशी में आज रिमझिम बारिश हुई, वहीं गंगोत्री, यमुनोत्री, हर्षिल, मुखबा, झाला और सुखी टॉप समेत 2200 मीटर से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई। निचले क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बारिश हुई है। जिले में चौराहों पर अलाव जलाने के निर्देश दिए गए हैं, साथ ही ट्रैकिंग पर जाने वालों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। निचले क्षेत्रों में जितने भी जो ठंड बढ़ रही है इसके लिए संबंधित ईओएस को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि वो अलाव की व्यवस्था करें और ठंड में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं, जितने भी हमारे आश्रय बने हैं, और उनको कंबल वितरित किए जाने के निर्देश जिलाधिकारी महोदय दिए हैं। ऊपरी क्षेत्रों में जैसा कि मौसम विभाग द्वारा हाई एल्टीट्यूड में हल्की बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई थी, इसी क्रम में संबंधित सेंसिटिव जोन पे मशीनें तैनात की गई हैं। समस्त लाइन डिपार्टमेंट्स को हाई अलर्ट पे रखा गया है। मुझे लग रहा है अभी 3-4 दिन का फोरकास्ट हो रखा है मौसम विभाग की तरफ से, तो अब अलाव का ही सहारा है। टिहरी, चमोली, पौड़ी, चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर और नैनीताल में भी बारिश हुई और
ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की भी खबर है। शीतलहर चलने से ठिठुरन बढ़ी है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ बनने से मौसम में बदलाव हुआ है और तीन दिनों तक मौसम का यही मिजाज रहने की संभावना है। देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी भी हो सकती है, जिससे आवागमन भी बाधित हो सकता है। राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा है कि रेडक्रॉस के वॉलंटियर्स की संख्या बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए, विशेषकर कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को इसका सदस्य बनना चाहिए। आज राजभवन में भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी उत्तराखंड के महासचिव डॉ एमएस अंसारी और अन्य सदस्यों ने राज्यपाल से मुलाकात की। इस दौरान राज्य में रेडक्रॉस की स्थिति और इसे मजबूत बनाने के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में जूनियर और यूथ रेडक्रॉस के गठन पर जोर दिया जाना चाहिए, जिससे छात्र छात्राओं के मन में बचपन से ही जरूरतमंदों की सहायता और सेवा करने की भावना पैदा हो सके। उन्होंने कहा कि रेडक्रॉस और आपदा प्रबंधन विभाग मिलकर राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों, कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को फर्स्ट एड, डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग और रोड सेफ्टी का प्रशिक्षण दें। राज्यपाल ने कहा कि ओमिक्रॉन के संक्रमण की संभावनाओं को देखते हुए आमजन में कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने के प्रति जागरूकता लानी जरूरी है। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए बागेश्वर में माघ महीने में होने वाला प्रसिद्ध उत्तरायणी मेला इस बार तीन दिनों तक ही होगा। पहले यह मेला सप्ताह भर से अधिक चलता था। जनवरी माघ महीने में लगने वाले उत्तरायणी मेले में दूर दूर से लोग आते हैं। धार्मिक और आर्थिक रूप से समृद्ध उत्तरायणी मेला आजादी के पहले से ही व्यापारिक गतिविधियों का भी प्रमुख केंद्र रहा है। भारत और नेपाल के व्यापारिक संबंधों के कारण दोनों ही ओर के व्यापारी उत्तरायणी मेले का इंतजार करते हैं। हालांकि ओमिक्रॉन के चलते मेला केवल स्थानीय स्तर पर ही आयोजित किया जाएगा। जिलाधिकारी विनीत कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। जो मेला है वो होना चाहिए और क्योंकि ओमिक्रॉन की भी यहाँ पे परिस्थितियां बनी हुई है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए हमने ये निर्णय लिया कि इस बार हम सिर्फ तीन दिन का यहाँ पे मेला करेंगे और उसका जो धार्मिक स्वरूप है वो भी एज इट इज रहेगा। क्योंकि ओमिक्रॉन में हम ये नहीं चाहते हैं कि बाहर से जहाँ पे ओमिक्रॉन का फैलाव ज्यादा है वहां से बाहर से कोई लोग यहाँ पर आए, तो सिर्फ स्थानीय जो लोगों की यहाँ पे स्टॉल्स वगैरह लगेंगी और सिर्फ जो लोकल हमारे यहाँ पे जो कलाकार है सिर्फ उनके द्वारा पे ही यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का यहाँ पे आयोजन किया जाएगा। जिले का सबसे प्रसिद्ध मंदिर बागनाथ लगभग 1004 मीटर की ऊंचाई पर सरयू और गोमती नदी के संगम तट पर स्थित है। मान्यता है कि इस स्थान पर भगवान शिव ध्यान लगाया करते थे। इसी संगम तट पर मेला अवधि में दूर दूर से आए श्रद्धालु मुंडन, जनेऊ संस्कार के साथ ही स्नान करते हैं। बाहर से आने वाले व्यापारियों की दुकानें नहीं सजेंगी और नुमाइश खेत में सांस्कृतिक मंच पर केवल स्थानीय लोक कलाकार ही प्रस्तुति देंगे। मेले की अवधि कम होने से स्थानीय कलाकारों में भी निराशा है। को देखते हुए यह तय हुआ कि इस बार जो मेला होगा वो स्थानीय रूप में मनाया जाएगा और इसमें जो है बाहर के जो हैं हमारे व्यापारी हैं, बाहर के कलाकार हैं या झूले चरखे हैं वो सब नहीं मंगाए जाएंगे और ना ही जो है झांकी जो है वो झांकी जो हमारे उद्घाटन के दिन आती है एक भव्य रूप में उसका भी आयोजन नहीं किया जाएगा। स्कूली बच्चों का प्रतिभाग इस मेले में नहीं किया जाएगा और जो नुमाइश खेत में झूले चरखे और जो सरकारी प्रदर्शनी वगैरह लगती थी वो सब भी इस मेले में नहीं लगेगी। यह सब तय हुआ है। एक धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक मेला है। इसमें जो सिमट के रह गया पिछले विगत वर्ष भी कोरोना की वजह से यह मेला नहीं हो पाया। इस वर्ष भी ये कोरोना की भीड़ चढ़ते जा रहा है, लेकिन लोगों में इस बार थोड़ी सी उम्मीद थी कि कार्यक्रम मेला होगा और भव्य मेला होगा, अच्छा मेला होगा और हमें भी कलाकारों के नाते हमें भी उम्मीद थी कि हमें भी एक अच्छा रोजगार मिलेगा कलाकारों की ओर से और अच्छा मेला होगा और अच्छा वो प्रोग्राम होगा। लेकिन कल मीटिंग में थोड़ा सा निर्णय हुआ कि यह मेला तीन दिनों में। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DDNews उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DDNews उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।
कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें, साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें कोरोना को हराना है मास्क जरूर लगाना है। और साथ ही यदि अभी तक आपने वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो आप भी जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवाएं और खुद को और पूरे देश को सुरक्षित रखें। नमस्कार।